देखो बात तो करनी पड़ेगी, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, मैं तो करूंगा बात, कर लेने के लिए। एक सुनो मेरी बात तो सुनो, एक बार राम राम तो कह दो, राम राम चाहे 10 बार कुवा दो, एक बार की नहीं, राम राम तो ना कोई। एक काम करो, अपना वोटा ये बात को नहीं कर दे, बोल लाडवा गांव की कोई किस्सा सुना दो, कोई बढ़िया सा लाडवा गांव का किस्सा, तो मेरी तो पूछे तो, मेरे तो घराड़ी मरी और किसे। नमस्कार, मैं कमल लोहान, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज सिटी बिग न्यूज की पूरी टीम पहुंची है बरवाला हलके के लाडवा गांव के अंदर। यहाँ पर तकरीबन 4,500 वोट हैं और यहाँ की राजनीति की चर्चाएं अक्सर बरवाला हलके में चलती रहती है, तो यहाँ के लोगों से आज जानेंगे कि आखिर किस विधायक को, किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को इस बार वो वोट देने जा रहे हैं। तो चलते हैं गांव के अंदर और जानते हैं यहाँ के लोगों की राय। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आपको, आपके गांव में किस पार्टी की तरफ रुख ज्यादा लग रहा है? देखो जी, फिलहाल तो ऐसा है कि कैंडिडेट अब तक कोई डिक्लेयर तो नहीं हो रहा है, वो अपने अपने विचार रख रहे हैं, भाई फलाना हुआ तो किड़ा हुआ, पार्टी लेवल पर तो कोई डिक्लेयर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो ना भाजपा सरकार का यहाँ ज़्यादा चर्चा हो रही है, भाई किसी को भी वोट दोगे तो भाजपा, क्यों दूसरी पार्टियाँ हमको दम नहीं दे रहा? तो कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ नहीं है, और जो अभी दुष्यंत जी ने बनाई है JGP, हाँ तो ये भी कल परसों कहा खबर नहीं आ रहा, बदल कहा कि भाई एक हो जाओ, तो इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो रही किस्म का। तो भाजपा का आप नाम ले रहे हो कि भाजपा की सरकार बनेगी, तो भाजपा की तरफ से अपने बरवाला हल्के में उम्मीदवार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो जी, तो आने बाद ही बताऊँ, पहले के बता, जैसे ये वो शर्मा वर्मा है, शर्मा इसने देखा रखा, मैं भाई इसने देखा रखे, वो बना रखी भाई, मैंने इतनी जनसभाएं करी हैं, पब्लिक देखा रखी अच्छी, चार पांच नाम इसका समाधान है, अच्छा आदमी, चार पांच नाम है जी, अरसमोहन भारद्वाज जी हैं, एक सुरेंद्र पुनिया जी भी हैं, एक जोगीराम सियाग भी है, इनका सुरेंद्र का तो वैसे पार्टी के रास्ता है, अब तक ओपन नहीं करे। अच्छा, तो जोगीराम सियाग तो लगे हुए हैं जी? हाँ, वो कभी उसका भी बताइए, यहाँ गाँव में कोई बताइए बाजार नहीं है। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस से आया है सूरा साहब। अच्छा, सूरा साहब, हाँ तो कांग्रेस के सूरा साहब आए हैं। हाँ, तो इसके अलावा और कोई नहीं आया? ना और नहीं आया नहीं कोई। तो भाजपा से आपको कौन लगता है कि कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो जी, वो तो हमारा आपको एक ही बताई थी, भाई मोदी को वोट कैंडिडेट को नहीं है। अच्छा, कोई भी हो उम्मीदवार, वोट मोदी को जाएगा नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। चलो, कुछ भाई तो कोई भी सरकार होगा, अच्छा बुरा तो होता ही। कुछ और युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि आखिर लाडवा गांव का रुख किस तरफ है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? अब की बार वही लग रहा है भाई, मोदी सरकार। मोदी सरकार, हाँ। तो मोदी सरकार तो ठीक है आपकी, तो उम्मीदवार भी तो कोई होना चाहिए। उम्मीद है डॉक्टर हर्षवर्धन भारद्वाज। अच्छा, हर्षमोहन भारद्वाज। अच्छा, हर्षवर्धन है, हर्षमोहन है? हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन है। हाँ जी। तो कैसा उम्मीदवार है? बिल्कुल बहुत अच्छा है उम्मीदवार है। अच्छा, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है बिल्कुल, और राजनीति का भी अच्छा जानकार है। चलो ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ। अभी तो कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, कैंडिडेट देख के पार्टी तो बताओ, कांग्रेस, भाजपा, JGP, NLO। वैसे तो BJP का ही चल रहा है ऊपर, सेंटर में भी। उम्मीदवार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो देखेंगे भी, कौन टिकट किसको देंगे फिर देखेंगे। टिकट में तो चार पांच नाम है, एक तो भाई साहब ने बताया अरसमोहन भारद्वाज, एक जोगीराम सियाग, सुरेंद्र पुनिया, कोई तो नाम होगा आपके साथ। वैसे तो हम JGP के साथ हैं। अच्छा, आप JGP के समर्थक हो, दुष्यंत जी को वोट दोगे आप? है, चलो ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, क्या लग रहा है इस बार? भाई ऐसा है कि लाडवा में तो वोट बटे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ज्यादातर JGP को भी और मोदी को भी, दोनों की फाइट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप कौन सी पार्टी से हो, JGP से हो कि भाजपा से हो? हम तो फिर मोदी के काम को देख के मोदी के ही समर्थक है। मोदी के समर्थक है, तो मोदी के समर्थक हैं आप, तो ये बताओ मेरे को कि आपके बरवाड़ा कैसे विधायक कौन हो? विधायक तो दो तीन नाम है, तो उनमें से जो सा टिकट लेगा आपके, अभी तो एक बहुत बड़ी लेना कोई शान बात नहीं, आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए? देखो यहाँ पे सुरेंद्र पुनिया का तो इतना वो नहीं है, इतना काम में आता नहीं, और किसी को मोदी की वजह से ही वोट मिलेंगे अगर मिलेंगे तो। तो जोगीराम सियाग के बारे में? हाँ, जोगीराम सियाग ठीक है, अगर उसको टिकट मिलेगी तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसा है, आपके गांव में आता है? नहीं आता तो फिलहाल तो यहाँ पे कोशायक को नहीं आता, फिर भी मतलब उम्मीदवार की बात करें तो जोगीराम ठीक है। हाँ ठीक है,
हाँ जी, विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का दम दिख रहा है? जो भी कैंडिडेट सामने आएगा बढ़िया। कौन सी पार्टी का? पार्टी कौन सी का ये भी हो, लेकिन दमदार कैंडिडेट आओ उसको वोट देंगे। उम्मीदवार देखकर वोट दोगे? हाँ जी हाँ जी, उम्मीदवार देख कर जब ही वोट देंगे। तो लोग तो बोल रहे हैं जी भाजपा की हवा है, भाजपा की हवा है। देखो टाइम बताओ, भाजपा को दे देंगे अगर अच्छा कैंडिडेट आओगे तो। अच्छा, उम्मीदवार देखकर वोट दो। हाँ, उम्मीदवार देख। चलो जी, बहुत बढ़िया। विधानसभा चुनाव सिर पर है, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का दम है? भाई भाई ने पूछ ले, आप भी तो बताओ वोट तो आपका ही बन रहा है। बात होगी बनना तो बात होगी, अपना मन माना घोड़े चढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी कोई मन बनाया नहीं आपने? ना ना ना, इधर के लोकसभा में किसको दिए थे? कांग्रेस को दिए थे। कांग्रेस को दिए थे, इस बार भी कांग्रेस को ही दोगे फिर? मेरा पता है के माहौल की बात होता था। बढ़िया कैंडिडेट होगा उत्ती देंगे भाई, या उम्मीदवार देख के वोट दोगे? बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी नमस्कार जी, क्या लग रहा है इस बार? कुछ नहीं पता जी अभी, कुछ नहीं पता। तो उम्मीदवार देख के दोगे, पार्टी देख के दोगे? ना, कैंडिडेट देखा है कौन है कैसा है। विधानसभा चुनाव सिर पर है, क्या लग रहा है इस पर कौन सी पार्टी का दम है? भाजपा का। भाजपा का, तो भाजपा में अगर आप बात कर रहे हो भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार तो कोई भी आ सकता है, तो पार्टी ने सोचना है। फिर भी आपके हिसाब से पार्टी ने सोचना है किसको? तीन चार नाम है तो उसके हिसाब से कुछ, तीन चार नामों से पार्टी देगी ना, पार्टी उसको टिकट बढ़िया होगा। आपका भी कुछ हो भी, ये उम्मीदवार हमारे हल्के के लिए अच्छा रहेगा? हमारे लिए तो ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी, मोदी के नाम से वोट जाएगा। चलो ठीक है, कैंडिडेट कोई भी हो। ठीक है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, विधानसभा चुनाव सिर पर है तो क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का दम दिख रहा है? पार्टी का तो जी की टिकट मिलेगी मेरा पटेगा नहीं, टिकट तो फिर भी यूं का भाजपा का जोर है कि कांग्रेस का है कि जेजेपी का, किमें तो आइडिया होगा आपने? भाजपा का नो है जी, जो काम गांव में हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, जो भी मान लो प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनसे पब्लिक काफी खुश है। विकास कार्य जो हो रहे हैं ना, उनसे भाजपा सरकार का कहीं पर विरोध नहीं है। अच्छा, सिर्फ किसान और मजदूर तबका है वो थोड़ा विरोध में है, लेकिन आम आदमी खुश है इसे। अच्छा, तो मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि भाजपा का ही उम्मीद है आगे आने का? हाँ, इसका है ही उम्मीद। दूसरी बात ये नहीं, और पार्टियां भी तो नहीं रही ना, चौटाला परिवार है वो बिखर गया, उधर कांग्रेस है उसका भी कोई होली सोली इंचार्ज कोई है नहीं। ये फिलहाल मान लो तवर को बना रखे है, तो तवर का इतना हरियाणा मॉडल है नहीं। तो भाजपा की बात करें तो आप बरवाला लड़के में पढ़ते हो, आपका गांव, तो क्या लग रहा है आपको टिकट किसको मिलनी चाहिए यहाँ से? किसका, ये तो पार्टी का फैसला है जी, हम क्या बताएं। फिर भी कोई आपके हिसाब से भी ये अच्छा कैंडिडेट है, ये बुरा कैंडिडेट है, कोई तो आइडिया होगा आपको भी? कैंडिडेट तो घड़े हैं जी, डॉक्टर हसमोहन है वो भी अपनी एड काफी कर रहा है, डॉक्टर ये अपने सुरेंद्र पुनिया है जो पहले भी चुनाव लड़ चुका है, जोगीराम सिहाग भी चुनाव लड़ चुका है यहाँ से, एक जितेंद्र जोग जो पुराने मंत्री एमएलए भी रहे, मंत्री रहे हैं, उनका लड़का है जितेंद्र जोग, वो भी चुनाव लड़ चुका है बरवाड़ा से। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, लोकसभा का इलेक्शन तो था मोदी का, ठीक है जी, और अब की बार कैंडिडेट के ऊपर होगा विधानसभा का। तो आपके हिसाब से उम्मीदवार कौन हो, कोई भी पार्टी का हो? मैं तो उम्मीदवार देने वाला नहीं हूँ, ये तो पार्टी उम्मीदवार देगी, ठीक है, लेकिन इसका तो हिसाब किताब हमारा ध्यान में, तो हम तो जेजेपी के थे। अच्छा, तो अब क्या बताएं बीजेपी से कौन कैंडिडेट आओगा? अच्छा, तो मतलब उम्मीदवार देख कर वोट दोगे? उम्मीदवार देख के वोट देंगे। वैसे मोदी ने काम किए हैं, हम एंटी पार्टी वाले भी थोड़ा बहुत उन्होंने यूं कैसे काम, देश के हित में मोदी के अच्छे काम हुए। तो मोदी के काम से खुश हो आप? बिल्कुल नहीं, मोदी के काम से तो हम खुश हैं, लेकिन कैंडिडेट कौन आता है उसका देखना पड़ेगा हमारे को। तो इस बार तो उम्मीदवार अच्छा होगा तो उसी को वोट दिया जाएगा, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो। ये नहीं कह सकते कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां में कोई दम रहा है, क्षेत्रीय पार्टी तो ये अफसरी के फोड़ बढ़ेगा होने कारण मतलब हालात गंभीर हो गए होंगे, तो आगे देखो कैंडिडेट पे ही होगा इलेक्शन। ठीक है जी, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टियां दिख रहा है? बीजेपी का है। बीजेपी का उम्मीदवार कौन हो? उम्मीदवार तो पार्टी में मुद्दा जी, किसको देगी? अच्छा, जो पार्टी को जिसने टिकट दे दी वो जिता दोगे आप? बिल्कुल। ठीक है, कोई नाम एक आधा आपके हिसाब से? नाम तो सुरेंद्र पुनिया जी। पुनिया जी? हाँ जी, पुनिया जी का नाम चल रहा है। जी, जी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी बोलो। इन सारी पार्टियां छोड़ के तू एक आदमी ने मना लेनी? बताओ। ये उपराड़ा ने मना ले, बूंदड़ी गिरवा दे, सारी पार्टी हमारे लिए बराबर है भाई। अच्छा, जब तक ये नहीं बरसेगा नहीं, हमारे तो कोई काम को नहीं है पार्टी। अच्छा, कोई पार्टी कोई काम की को नहीं, आपके मतलब कर। अच्छा, यो बरसेगा
तो तेरे वर्गा मेरे वर्गा सारा है नहीं किसी का सारा कौन इसने मना लो मानता हो सारी पार्टी बराबर है अपनी आप भी आ जाओ। राम राम जी। राम राम। कौन सी पार्टी का लग रहा है इस बार वोट वाले किसने दोगे? वोट तो भाई कैंडिडेट देख के देंगे। पार्टी पार्टी का होगा नहीं कैंडिडेट देख के देंगे। उम्मीदवार अच्छा है उसने वोट दोगे? ठीक है बाकी तो जज पा के आदमी है ठीक है। लो जी लाडवा गांव का दौर होने लग रहा है आज। हाँ जी विधानसभा चुनाव सिर पर है क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है? क्या मेरा भाई कौन सी पार्टी अपन पार्टी है कौन मेरा कोई नाम नहीं वोट बांट कर दिए कौन दिए कदे कौन दिए वोट बांट? अच्छा आगे देने की कोई इच्छा? कोई इच्छा नहीं। चलो ठीक है लिया करो दिया कौन कर लिया करो दिया ठीक है मतलब खुद खड़े हो गए बिल्कुल। चलो लो जी एक उम्मीदवार और मिल गया अपन नाम भाई साहब अपना राजोल भाई। राजोल भाई ये राजोल भाई जी हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो जो भी इनका चुनाव चुनाव इतनी की सपोर्ट करनी है इस बार सब पार्टी कौन सी है आपकी पार्टी तक क्या करना है आजाद लड़ोगे? आजाद लड़ोगे चलो ठीक है भाई साहब। हाँ जी राम राम। जय राम जी की जी। विधानसभा चुनाव सिर पर है क्या लग रहा है इस बार किसकी किस पार्टी का जोर चलेगा? सर ऐसा है लाडवा गांव ने तो अपना जो लोकसभा में दिखा दिया है कि किसका है कौन रहेगा बता दो जरा। भाजपा का है जी बिल्कुल एक तरफा एक तरफा। तो भाजपा की तरफ से बरवाड़ा हल्के का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? देखो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ वैसे और यही बात आगे भी रहेगी क्योंकि ये देखो जैसे लोकसभा में हुआ था किसी को नहीं पता था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसी हिसाब से हमारी तरफ से मतलब गांव की तरफ से जब तक हमने देखा है कि लोकसभा के अंदर जैसे कोई भी आता सभी ने एक मत से समर्थन दिया था ऐसे ही विधानसभा में जो भी आएगा उसका समर्थन होगा। तीन चार नाम है अर्षमन भारद्वाज है जोगीराम सिहाग है सुरेंद्र पुनिया जी है तो कोई तो उम्मीदवार आपके मन में होगा? हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। भाजपा मतलब भाजपा ने जिसको दे दिया उस पर आपने ठप्पा लगाना? बिल्कुल लगाना जिसमें कोई शक। ठीक है। हाँ जी राम राम जी बस धन्यवाद। हाँ जी किसने बता दी जो हमने बता दी कोई ना एक बार आप भी कर लो बात। बस सही है जी। अच्छा चलो जी राम राम जी। राम राम। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अभी तो कौन सी पार्टी को इस बार दम दिख रहा है आपको? हमने जी एक बार तो सारी में दिखा है बाकी तो इलेक्शन टाइम आओ अजय भी बताएंगे। फिर भी कोई नाम जेजेपी कांग्रेस भाजपा बीजेपी बनने की बात है? बीजेपी बनने की बात है तो उम्मीदवार कौन हो? उम्मीदवार अच्छा हो जो बढ़िया हो वही होना चाहिए। तीन चार नाम चल रहे हैं जी, जी। सुरेंद्र पुनिया है जोगीराम सिहाग है डॉक्टर हर्षमान भारद्वाज है तो जी मतलब वो तो मन इतना क्या नाम है पढ़िया लिखा इतना बाकी पढ़े लिखे बताओ कौन सा बढ़िया है। हाँ जी चलो ठीक है जी धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब। राम राम भाई साहब एक मिनट सामान ले लो। अच्छा सामान ले लो ले लो। हाँ जी राम राम जी। हमें इलेक्शन तो दूर है भाई। जमाए दूर हो? अच्छा जी। हाँ जी राम राम। आप भी दूर हो इलेक्शन से? कति दूर हो? बहुत दूर। कर लो बात तो कर लो मेरे कि मैं और सुना दो। हम तो और देश के आदमी रहने। अच्छा और देश के आदमी हो कहाँ से हो? बिहार से? अच्छा बिहार से हो। कितने टाइम से हो यहाँ पर? टाइम से है लगभग महीने महीने से है। अच्छा एक महीने से हो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी का दिन दम दिख रहा है इस बार? भाई साहब फिलहाल तो मोदी का ही दिख रहा है। मोदी का दिख रहा है। हाँ तो मोदी का तो ठीक है अपने अगर भाजपा की बात करें तो यहाँ से टिकट किसको मिलनी चाहिए? टिकट तो भाई साहब इतनी तो आप रखा कुछ कह रहे थे आप क्या कह रहे थे भाई? किसे दे दियो मोदी? मोदी का नाम तो सारे जीते पड़े हैं। उसका पहला भी क्या होते मोदी तो नहीं होता था गाड़ में चलते कुत्तन दे दियो टिकट कुत्ता भी ले जिक्र हो रहा था। हाँ टिकट दे दिया तो वो भी जीतया पड़ा है। मोदी की तो हवा इतनी है भाई आप नहीं बेरा मोदी के बारे में तो भाई जिसने टिकट मिल गई वो जीत जाएगा वो जीतया पड़ा भाई। फिर भी कोई नाम ऐसा हो भी इस उम्मीदवार ने टिकट मिल जाए तो ठीक से किसे दे दियो? छत्तीस जाए तो मरना मोदी ने उबे दान देंदा दे किसने का उसका तो बेरा ही कुनी भी वो तो मतलब यू है कि वो ढोल में तो पर्ची काट है जिसका नाम निकल गया वो जीत जीतता भाई। चलो ठीक है भाई साहब धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद। राम राम पंडित जी। कहाँ से? लाडवा से। हाँ लाडवा। तो कौन सी पार्टी का दम दिख रहा है इस बार है? कौन सी पार्टी का दम दिख रहा है? पार्टी तो मोदी की ठीक है। मोदी की ठीक है। मोदी की तो ठीक है। वोट किसने दोगे? के वोट किसने दोगे? जे तो रखे ही किसके देने शक है। उम्मीदवार अभी विधानसभा चुनाव और आने हैं तो उसमें कौन उम्मीदवार हो आपके हिसाब से? अरे ये मोदी की सही रहेगी। मोदी की ठीक रहेगी। विधानसभा चुनाव सिर पर है भाई साहब इसके बारे में कुछ ना बताया अपन कोई नॉलेज को नहीं। कोई नॉलेज को नहीं। कभी वोट दिया ही को नहीं। वोट देवा लेकिन नॉलेज को नहीं। नॉलेज को नहीं। अभी जो पहले इलेक्शन हुए थे किसी को दिए थे?
मोदी के नाम दिए थे, किसने दिए थे? इस बार मोदी का नाम बजाओ। बिल्कुल मोदी का नाम बजाओ। मोदी मोदी है। हाँ, हर हर मोदी। बिल्कुल मोदी। ठीक है भाई। हाँ जी, वोट बन रहे हैं? ना, वोट बने रहे। किसने दोगे? चौटाला। पीए अपना तो सीएम चाहिए चौटाला और पीएम चाहिए मोदी। अपन तो सीएम चाहिए चौटाला, पीएम चाहिए मोदी। अच्छा, मतलब हरियाणा तो दुष्यंत ने लेके आओगे क्या? आपने लेके आओगा दुष्यंत? दुष्यंत आओगे, मेरे को लगा था आप भी ना बनाते हो। ना ना, अपने कोई लेने देने को नहीं है। ब्याह गला ना ना, मतलब एक नहीं। हाँ दुष्यंत गला नू है भाई, तारा ठीक लागो। हम उम्र से ये बबे भी मेरा साड़ा को लगता है ना, तो कहने के बाद सा है भैया। मैं तो वोट को नहीं भाई, वोट को नहीं लग गया तो कौन है? झूठ ना भाई, वोट बनवाया को नहीं, दाढ़ी यारी मैंने वोट बनवाया को नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का जोर दिख रहा है? थोड़ा है तो दुष्यंत। दुष्यंत पूरा एक तरफा? एक तरफा। और लोकसभा में किसने दिए थे? दुष्यंत ने। दुष्यंत है। इस बार कर्द बना दोगे सीएम? बना जाए, पहला बना जाए, नहीं रोल करें तो। अच्छा, रोल करके कौन सा रोल, किस तरह कर देंगे? करके सारे वोट से बाहर रखे थे, पहले मोर से रखे। अच्छा, पहले चेप रखे थे? अच्छा, तो कांग्रेस में पहले चेप रखे थे? आप भी कहने लगे? हाँ हमें तो पता ही। तो इस बार भी चेप के फिर क्या करोगे? बस यहीं पर रोड जाएंगे, रोड दोगे इस बार? अच्छा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो इस बार कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है? अब तो एक तरफ ही दिखाई दे रहा है जी इनका। किनका? बीजेपी का। बीजेपी का। बाकी है कुछ नहीं, लेकिन सभी आजकल चर्चा तो यही। अच्छा, चर्चा है तो मतलब वो ये बात है, आवाज चल पड़ी तो उसी तरफ बह गया सब कुछ है? ना, मैं तो बह को नहीं रहा। अच्छा, तो आप किसकी तरफ? आप अपनी बताओ। मैं चश्मा। चश्मा या जेजेपी? चश्मा। चश्मा का जोर अभी भी चल रहा है ना? जो है अपने तो कट्टरपंथी। नहीं, कट्टरपंथी तो चलो ठीक है जी, फिर भी एक यूं है जी, देखो पहले थी मजबूत थी, अब वोट खराब करने का फायदा? अपना सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब जुड़ गए वहाँ, जुड़ गए, जुड़ गए वहाँ, जुड़ गए, तो मतलब वोट जाएगा चश्मा के ऊपर। चाहे दो आओ, दो आओ, मतलब लो लकीर खींच दी कि जाना चश्मा के ऊपर? नहीं, शुरू से ही। शुरू से ही आगे भी ऐसे रहेगा? उम्मीद तो है जी, अगर जी रहेंगे तो। अच्छा, अगर चश्मा ना रही तो? बीजेपी के मैं विचारधारा मेरी अलग। अच्छा, मतलब अगर इनेलो फर्स्ट है, बीजेपी सेकंड है? नो नो नो, बिल्कुल लास्ट है। तो बीजेपी लास्ट भी नहीं है, तो इनेलो के बाद में क्या है? बसपा में भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। जेजेपी? हाँ ये तो चलो, वो तो आगे टाइम बताओगा। मतलब जेजेपी का नाम लेने से थोड़ा कतरा रहे हो आप, रीजन? नहीं रीजन नहीं, मतलब बूढ़े के साथ उसके बाद तो ले जेजेपी है ही। अच्छा, मतलब जेजेपी से कोई ऐसा ऐसा वो नहीं है कुछ भी? देखो काम किया है नागे में बीजेपी के पक्ष देने। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव सिर पर है, वोट किसने दोगे इस बार? हमने नहीं भी रखे, वो टेम आवाज बताओगे? टेम आवाज बताओगे? इबे टेम को नहीं आया? इबे टेम को नहीं आया। अच्छा, तो पार्टी को तो बताओ कोई, भाजपा कांग्रेस पार्टी का इबे बेरा ही को नहीं? बेरा ही को नहीं, कुछ ही को नहीं? टेम पे बताओगे? टेम पे तो कैंडिडेट आवा, कैंडिडेट देख के बताओ। अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार है नहीं मैदान में? ना ना। ठीक है जी, आप बताओ जी, आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? जेजेपी की पार्टी से? हाँ जेजेपी की। जेजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार आएगा उसी को वोट? हाँ उसको वोट देगा। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताओ जी। आप किसी ने कौन दिए? दिव्य को नहीं? ना दिव्य की पहले भी कहते कौन दिए? नू तो दिए पहला, तो इस बार नहीं देंगे? मैं पूछूंगा पार्टी वोट की। राम राम जी। राम राम। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है आपको? पार्टियों का जोर तो भाजपा से जो अलग पार्टियां हैं वो तो सारी बिखरी हुई है। अच्छा। तो लोगों का दिल भी करता है भाई जैसे कांग्रेस को दें, और तो कोई पार्टी नहीं है इसमें, कांग्रेस और भाजपा। अच्छा। कांग्रेस की तरफ ध्यान देते हैं तो पार्टियां बाजी हैं, जैसे हुड्डा अलग गुट बना रहा है, तंवर अलग गुट बना रहा है, किरण चौधरी अलग कर रही है, तो उस बात को, इन बातों को मद्देनजर रख करके लोगों का रुझान भाजपा की तरफ ज्यादा मिलेगा। भाजपा की तरफ ज्यादा मिलेगा, तो आप किसकी तरफ हो? हम तो पीछे भी भाजपा की तरफ थे और आगे भी, मैं तो खुद फौजी आदमी हूँ, हमारा फायदा काफी कर रखा है भाजपा पार्टी ने जी। तो हमारा तो रुझान भाजपा की तरफ ही रहेगा। अगर भाजपा की बात करें तो आपके बरवाड़ा हल्के से उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार तो काफी घूम रहे हैं, जैसे पीछे था उसका रुझान हमारे नहीं है, सुरेंद्र पुनिया था जैसे, क्योंकि ये हारने के बाद क्या समाज को संभालना ही नहीं जाता, सुरेंद्र पुनिया की तरफ रुझान हमारे गांव का तो है नहीं। ठीक
ठीक है जी। कोई नया अगर कैंडिडेट आता है तो उसके बारे में सोच विचार कर लेगा गांव। दो तीन नाम और भी है, जोगीराम सियाग है, हरिशमोहन भारद्वाज है। हाँ भारद्वाज जी आए थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसी प्रकार हम 5-10 बैठे थे, भारद्वाज का भी हमने ये लगया, वो गाड़ी से उतर के उन लोगों से ही नहीं मिले, वो इस गली में निकल गए यहाँ से। अच्छा। हम वहाँ बैठे थे 10 आदमी कम से कम, उसने कोई मतलब नहीं। ये एक घमंड सा तो हमको भाजपा का लग रहा है कि वो हाथ पैर जोड़ करके वोट नहीं मांग रहे हैं। वो पता नहीं अभी भी मोदी जी का रुझान, पीछे मोदी जी की वजह से पार्टी आ गई थी, लेकिन स्टेटों में तो ऐसा मोदी का विचार नहीं आ सकता लोगों के बारे में। इस बार तो उनको यूं लग रहा है कि जी टिकट मिलेगी तो जीत जाएंगे। हाँ, सबकी भावना यही रहती है, क्योंकि किसी से वो अच्छी तरह बात ही नहीं करते आते हैं, जब किसी ने इन्वाइट कर दिया तो उसी दो आदमी से बात करके चले जाते हैं और दूसरों से मतलब ही नहीं है। तो ये भी घमंड सा एक भाजपा में हमने देखा है कि उन्होंने कोई ऐसी भावना नहीं है कि भाई लोगों से हाथ पैर जोड़ा या इकट्ठा करा, कोई समाज के बारे में वेलफेयर की बात करा, कोई मतलब नहीं है भाजपा का। लेकिन रुझान बदली हो सकता है भाजपा का, मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हम तो घूमते रहा, तो उसमें अगर हुड्डा साहब अगर अपना सच्चे दिल से और कांग्रेस अगर लग गई तो हुड्डा के चांस हैं। तो कहने की हुड्डा साहब की सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हुड्डा से अलग नहीं है यहाँ और किसी का कोई भी। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थी बरवाला हलके के लाडवा गांव की विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट। आगे भी हमारी टीम इसी तरह से अलग अलग हलके के अलग अलग गांव में जाकर आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट पेश करती रहेगी। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।